खबरें तफसील से। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में बुनियादी तौर पर ये खुश्क मौसम की पेशनगोई की गई है और इसी के दरमियान जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की गई है। वादी में कल रात पहलगाम और गुलमर्ग में पारा 0 से नीचे चला गया। वहीं श्रीनगर में पिछली रात पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाज़ह रहे कि मौसम गर्मा के लिए यह मामूल से 3.1 कम था। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जो पेशन गोई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो अभी मौसम है वो कुछ अलग ही है। फिर से बताएं, जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की पेशनगोई के दरमियान जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जे हरारत में रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया। रईस मागरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, ये जो दर्जे हरारत इस तरह से देखा जा रहा है, कितना इसका असर पड़ेगा लोगों की आम जिंदगी पर और इसमें क्या क्या तब्दीली और कब तक आने की उम्मीद है? जी हाँ, अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले जो है जिस तरह से यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज वेदर में देखने को मिल रही है उसकी वजह से जो है वो सर्दी फिर से लौट आई है। जो रात का टेम्परेचर है उसमें गिरावट यहाँ पे दर्ज हरारत में आई है। अगर हम गुलमर्ग और सोनमर्ग की बात करें तो वहाँ पे भी सब जीरो जो टेम्परेचर है वो सब जीरो डिग्री पे सेटल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे जिस तरह का मौसम है, अभी 30 मार्च से 1 अप्रैल तक जो है वो बारिशें फिर से हो सकती हैं, लेकिन तब तक जो है एक दो दिनों में मौसम जो है वो अमूमन खुश्क रहने का ही इम्कान है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ जो है वो कश्मीर में पाई जा रही है, ना सिर्फ डल झील के किनारे जहाँ पे हम अभी मौजूद है, बल्कि जो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है और भी जो अन्य हेल्थ रिजॉर्ट है कश्मीर में, अच्छी खासी टूरिस्टों की तादाद, सयाहों की तादाद पाई जा रही है, जिसको लेकर जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स में पाई जा रही है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह का टूरिस्ट फ्लो रहे ताकि उनको उससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा हो। वहीं अगर हम वेदर की बात करें तो आज भी जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आज ट्रैफिक के लिए खुला है और ये ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी ये कहा गया है कि किसी भी बड़ी जर्नी पे जाने से पहले वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन करे और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करे। और हाईवे पे हमने देखा है कि जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर मौसम ठीक रहता है तो दोनों ओर से जो है वो गाड़ियां चलेंगी, लेकिन अगर मौसम में कोई तब्दीली आती है या बारिशें होती हैं तो उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाता है, उसके चलते जो है वो हाईवे को बंद भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि लोगों को कहा जा रहा है कि अपना सफर शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पूरी जो है वो जानकारी हासिल करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, उसके बाद ही वो किसी बड़ी जर्नी पे जो है वो जाएं। जी विशाल, रईस, ये एक बड़ी तब्दीली है और मौसम गर्मा के अतबार से ये जो मामूल के मुताबिक होना चाहिए दर्ज हरारत उससे ये 3.1 तकरीबन जो है वो कम है। तो ऐसे में क्या इसके कुछ मुज़िर असरात भी होंगे और जो इसके जो माहरीन हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी तब्दीली दरअसल किस बात को जाहिर करती है? जी हाँ, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि इससे पहले भी जो है वो अप्रैल में बर्फबारियाँ हुई है, मौसम इतना खराब हुआ है, बारिशें ज्यादा हुई हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक अभी यहाँ पे मौसम में जो है मौसम ने करवट ली है, एक तब्दीली आई है, उसके चलते जो है लोगों को इससे जो है वो थोड़ी फिर से दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे मौसम सही हो रखा था, टेम्परेचर जो है नॉर्मल उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरह से बारिशें हुई है, मौसम बदला है, तो उसके बाद जो है वो एक गिरावट दर्ज हरारत में देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे भी जो है टेम्परेचर में गिरावट आई है, जिसके चलते जो है जो वहां पे लोग हैं उनको जो है वो फिर से वो चीजें करनी पड़ रही है जो वो विंटर्स में उमूमन करते थे। लेकिन साथ ही ये उम्मीद है कि जिस तरह से जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो चेंज है उससे लोगों को जो है वो दिक्कत होती है, लेकिन ये चेंज जो है वो जल्दी जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और जल्द ही मौसम यहाँ पे जो है वो सुहाना हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और उसी तरह का मौसम यहाँ पे जिस तरह से मौसम पाया जा रहा है तो जल्दी ही ये अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है ये इस तरह का वेदर जो है वो हट जाएगा और सही से यहाँ पे जिस तरह के मौसम की यहाँ पे उम्मीद है लोगों को वो जल्द ही जो है वो वापस लौट आएगा। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी खबर पर नज़र डालेंगे। खबर अनंतनाग से है। अनंतनाग जिले के सिलेगाम ऐश मकाम में आतिशजदगी के वाक़े में एक रिहायशी मकान और एक निजी स्कूल की इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है।
मालूमात के मुताबिक आग रिहायशी मकान में लगी, बाद ऐसा करीबी स्कूल की इमारत में भी आग लग गई। मकामी लोगों ने बर वक्त फायर ब्रिगेड को तलब करके आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। और SCO मुल्कों के NSA मीटिंग, ये एक अहम खबर है जो इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग कल अजीत डोभाल करेंगे मीटिंग की सदारत, पाकिस्तान और चीन वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर है और इसमें SCO की जो मुल्क हैं, SCO के जो ममालिक हैं, वो उनकी एक बैठक होनी है। इसमें खासतौर से जो मीटिंग कल अजीत डोभाल जो है वो इसकी सदारत करेंगे और पाकिस्तान और चीन भी इसमें शामिल होंगे वर्चुअल तरीके से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू दिल्ली से, ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कितना अहम इस मीटिंग को माना जाए और ख़ास तौर से एक ऐसी मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान और चीन ये जो ममालिक है ये भी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए विशाल, आपको बता दें कि इस वक्त G20 के साथ साथ में SCO जो ग्रुपिंग है उसमें भी भारत अध्यक्षता कर रहा है, भारत प्रेसिडेंट है, चेयर है अभी इस ग्रुपिंग का। और ऐसे में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी बैठकें हो रही थी दिल्ली में भी, और आने वाले दिनों में मई के पहले हफ्ते में विदेश मंत्रियों की बैठक होगी गोवा में। लेकिन इससे पहले NSA लेवल की बैठक जिसमें सिक्योरिटी इश्यूज पर बातचीत होगी ये कल होने वाली है दिल्ली में। इसमें NSA जी डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो बाकी कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशिया है, वो इसमें इन पर्सन यानी यहाँ पहुंचकर वो शामिल होंगे दिल्ली में। लेकिन चीन और पाकिस्तान के जो NSA हैं या उस तरह के जो अधिकारी हैं वो इन पर्सन इस बैठक में शामिल नहीं होने, जहां तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और आप ये भी याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान को का जो जो इनविटेशन है वो विड्रॉ कर लिया था भारत ने, क्योंकि उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से एक ऑब्जेक्शनेबल मैप, एक नक्शा जम्मू कश्मीर का जिसपे भारत ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद पाकिस्तान का जो इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन माना जा रहा है कि कल की बैठक में पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी होगा और चीन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन ये वर्चुअली ये दोनों कंट्रीज जोड़ेंगी। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं SCO में वो तमाम कंट्रीज के जो NSA हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो जिस तरह से अभी हालिया ये देखा जा रहा है कि खास तौर से हिंदुस्तान को जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर कई तरह के ऐसे इश्यूज हैं जिन पर रह रहकर सवालात उठते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये NSA की जो बैठक है, तो क्या इनको ये माना जाए कि जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस हैं इनमें ये बैठक काफ़ी कुछ अहम है और इसके शायद इस पर कुछ इस पर गौर व फिक्र भी हो? देखिए जाहिर तौर पर NSA की बैठक में सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहता है, किस तरह से सिक्योरिटी मजबूत की जाए, क्योंकि अब SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य देश बन चुके हैं। तो ऐसे में आतंकवाद का मुद्दा हमेशा इस मीटिंग का अहम इशू रहा है, एजेंडा रहा है। तो माना जा रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर जरूर चर्चा होगी। वहीं हमने ये भी देखा है कि गलवान के बाद लगातार भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव बना हुआ है, तो इस बीच ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें हालांकि वर्चुअली वो जुड़ रहे हैं चीन की तरफ से, लेकिन ये जरूर कन्वे करेगा कि सीमा पर जो शांति है वो बहुत जरूरी है बायलेटरल इश्यूज को, बायलेटरल संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। सीमा पर जो है तनाव नहीं होना चाहिए, सीमा पर हालात सामान्य होने चाहिए। लेकिन कुल मिला के इस बैठक में जो है आतंकवाद का मुद्दा अहम रहेगा। भारत फिर एक बार अपनी बात रखेगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से किस तरह से पिछले 3 दशकों से लगातार भारत इसको झेल रहा है, तो ऐसे में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और हालांकि पाकिस्तान के NSA अभी कोई नियुक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी अधिकारी लेवल पर ये रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन जाहिर तौर पर ये मुद्दा जो आतंकवाद का है वो बैठक तय रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त आपको हम ये बता दें फिर से एक बार कि पाकिस्तान और चीन जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे जरूर, लेकिन SCO मुल्कों की इस मीटिंग में जैसा भी हमें शैलेंद्र बता रहे थे कि पाकिस्तान और चीन की जो शमूलियत है वो वर्चुअल हो सकती है, जबकि दीगर जो मेंबर मालिक हैं वो इन पर्सन इस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन कल तक क्या कुछ हो रहा है इस पर आगे देखा जा सकता है।
और इसी के साथ अब रुख करेंगे अगली खबर का। खबर यह है कि राहुल गांधी को नाअहल यानी डिस्क्वालीफाई करार दिए जाने की मामला, यही जो मामला है ये अमेरिका का मामला जो है, इस पर अमेरिका का पहले आज इस पर तबसरा आया है। राहुल गांधी के मामले को हम देख रहे हैं, ये कहना है अमेरिका से जो बातें आई हैं उसके मुताबिक अमेरिका जमहूरी अकदार आज़ादी इजहार राय के मामले में कौल व करार का पाबंद है और अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पाटिल का ये बयान आया है। एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट से जो डिस्क्वालीफाई करने का जो मामला है, राहुल गांधी को नाअहल करार देने का जो मामला है, तो अमेरिका जो है इस मामले पर अमेरिका का पहली बार तबसरा आया है और राहुल गांधी के मामले को हम देख रहे हैं, इस तरह की बात सामने आई है अमेरिका की तरफ से। और बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि अमेरिका जमहूरी अकदार और आज़ादी इजहार राय के मामले में कौल करार का पाबंद है। अमरीकी वजारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पाटिल का ये बयान। Just in terms of other democracies invited to the summit, India, Rahul Gandhi, the opposition leader, has been expelled from parliament. Do you have anything to say about that? Is that consistent with democratic values? Thanks for your question, Sean. So respect for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. In our engagements with our Indian partners, we continue to highlight the importance of democratic principles and the protection of human rights, including freedom of expression, as a key to strengthening both our democracies. Can I just follow up briefly? Sure. Is it engaging with the government of India? How about with Mr. Gandhi himself? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट नाइन। कुपवाड़ा जिले के दो रफ्तादा इलाके कालारोस में एक 7 साल बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिल कालारोस के रहने वाले निसार अहमद लोन की बेटी जेका निसार अचानक कुएं में गिर गई। इस दौरान एक बच्ची की नजर कुएं की तरफ पड़ी और फौरी तौर पर लड़की को कुएं से निकाल लिया गया और उसे बेहोशी की हालत में कालारूस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पूरे इलाके में इस खबर के फैलने के बाद इस वाकये को लेकर सफ़े मातम बिछ गई है। तुराल नानर गुजर बस्ती इलाके में आखिरकार बिजली सप्लाई शुरू हो गई। इलाके के लोगों के लिए यह लम्हा किसी बड़े दिन से कम नहीं था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर ने इस नई स्कीम का इफ्तिताह किया। इलाके के लोग पिछले 5 सालों से बिजली की मांग कर रहे थे और अब इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि यूटी कैपेक्स बजट के तहत इलाके में एलटीएचटी का नया तरसीली निज़ाम और ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, जिसकी बदौलत इलाके को बिजली सप्लाई की जा रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो लकड़ियां जलाकर रोशनी का इंतजाम करते थे, जिससे उनकी सेहत और उनके बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती थी। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद राणा ने बताया है कि इलाके में पानी की सप्लाई और राबता सड़क जैसी सहूलियात को बहम रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और जल्द ही यह सहूलत भी लोगों को फराहम किए जाएंगे। 5 साल हम रहे, कुछ नहीं हमको मिला और 5 साल के बाद हमको पावर मिली। पावर रोड डीसी साहब ने शुक्र अदा करते हैं, वहाँ हम 4 चक्कर लगाए। अभी बहुत सहूलत हो गई, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रात के 12 बजे तक भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमको पहले पानी था, पानी की भी सहूलत हो गई, रोड भी बोलता है, रोड भी देंगे, ग्राउंड भी देंगे सब। अभी हमारे बच्चे जो बहुत खुश हो गए, रात के 12 बजे लेके पढ़ाई करते हैं। पहले देखो हमारा कुछ नहीं था, वहाँ सोलर थी वो भी टूट जाती थी अंधेरे में, हमको कुछ नहीं था। आज समझो हम सोलर आई जैसा ईद का चांद चढ़ गया। जो पावर का मसला है जनाब, वो तो पावर हमारे घर में पहुँच रही है, बड़ी अच्छी तरह से रही है।
हमारी जो माँ थी, बहन थी, लड़की थी, वो ऐसे ही लकड़ी जलाती थी, धुएं में आग छड़ती थी, जलती थी। अब बच्चा हमारा पढ़ते हैं, रात के 12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, और भी बहुत शुक्रिया, बहुत एहसान है। रात के 12 बजे तक दिन में फिर वो स्कूल जाएंगी, और रात को मुड़ के रात के 12 बजे वो लाइट में बच्चे पढ़ेंगे, वो खुश रहेंगे। मोबाइल वो मोबाइल को हमको तकरीबन आधा घंटा पड़ जाता था, गांव में जाते थे, गांव में वो चार्ज करते थे, रात को वहीं रखते थे, फिर मुड़ के घर आते थे। इस वक्त मैं मोबाइल घर में चार्ज करता हूँ, तो इंशाल्लाह और लाइट चंगी मंदी बुरी भली हो, शुक्रिया सब। अच्छा, वो जो बस्ती है वो रियली मतलब डिजर्व करती थी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो, इट इज़ अ राइट ऑफ एवरीबॉडी टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है इसके लिए, और ये मुझे भी खुशी है, और मेरे ख्याल में जो वहाँ के लोग हैं उनको तो राहत मिलेगी इससे। एंड आज के टाइम पे इनको हमने बिजली पहले प्रोवाइड कर दी, एंड हर घर में आज के टाइम पे बिजली है, जिसमें वो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड साथ ही साथ पानी का भी हमने अभी उनके घर तक नहीं पहुँचा दिया, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट जो पॉसिबल था वहाँ पर पहुँचा दिया, एंड इनको हम एश्योर करा रहे हैं कि आने वाले 2 महीनों में इंशाल्लाह इनके हर घर में इनको पानी भी होगा। थर्डली, इनको खेलने का मैदान नहीं है, उसके लिए लैंड हमने आइडेंटिफाई कर दी, एंड RDD डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन पहले कर दी कि जो ही प्लान हमें सबमिट कर दिया, एंड अप्रैल के महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा, ताकि उनको खेलने का, बच्चों को खेलने का मैदान मिलेगा। कस्बा त्राल में माह रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने के साथ ही ग्राम फरोशी उरूज पर पहुंच गई है। इस सिलसिले में महकमे उमूर सारफीन, म्यूनिसिपैलिटी और महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने कस्बे में मार्केट चेकिंग अंजाम दी, और गरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाई ऑफिसर मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमजान के आखिरी अयाम तक जारी रहेगी। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो चीजें सरकारी नर्ख नामों के मुताबिक ही बेचा करें या उसी मुताबिक फरोख्त करें। जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब ग्राम बाजारी ना हो, तो जो भी यहाँ पे रेट्स हैं सरकारी जो मतलब रेट्स हैं जो सरकार ने बनाई हैं, उसी पे ये मार्केट चले। कोई मतलब किसी किस्म का कोई ग्राम बाजारी ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जो रेट सरकार ने भी बनाई है उसी रेट के हिसाब से लोगों को हर एक चीज़ मिले, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्जी हो, वेजिटेबल हो, चाहे रोटी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी चीज़, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो। देखा कि जहाँ जहाँ भी हमने देखा कि कहीं पे किसी ने कोई वायलेशन की है रेट्स की, तो हमने उनको बाजाबत हमने उनसे जुर्माना वसूल किया, उन्हें मुतनब्बा किया कि आगे से ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो आगे से उनके लिए उनको FIR काट दी जाएगी, उनका कारोबार जो है बंद कर दिया जाएगा। कस्बा पापुर में कसाबों ने गोश्त की कीमतों में अज खुद इजाफा किया है, और अवामी शिकायत के बाद तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम कसाबों के साथ मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि गोश्त सरकारी नरखनामों यानी 535 रुपये फी किलो के हिसाब से ही फरोख्त करें। तहसीलदार ने उन्हें उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। दस के पेश नज़र हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी कि पापुर टाउन और मुलक इलाकों में मटन काफ़ी हाई रेट्स पे भेजा जा रहा है, तो इस ज़मन में आज हमने तमाम मीट शॉपर्स को यहाँ पर बुलाया था, और उनको सख्ती से ताकीद की गई है कि जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड रेट्स है मटन के ज़मन में 535 रुपये, उसके बगैर अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत मौसूल हुई तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं तमाम बाशिंदगान पापुर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको मटन या एसेंशियल कमोडिटीज हाई रेट्स पे मिले जो गवर्नमेंट अप्रूव रेट्स के हिसाब से नहीं है तो काइंडली हमें आप मुतला करें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जाए। तो न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।